तो गाइस फाइनली रेडमी ने इंडिया में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, रेडमी नोट 6 प्रो। तो हमारे पास अभी आ गया है, तो हम इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे कि क्या इसके अंदर कुछ खास फीचर्स। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस इंडिया में ये फोन 22 नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ, जिसकी प्राइस अभी ऑनलाइन मिल रही है 13,999 रुपए तक, और हमने ये ब्लैक फ्राइडे सेल के अंदर 23 नवंबर को 12,999 रुपए के अंदर बाई किया था। तो गाइस अभी इसको हम खोलते हैं। गाइस इसकी पैकिंग मुझे कोई खास नहीं लगी, क्योंकि देखो अगर पॉलिथीन की पैकिंग होगी ना तो उसमें मतलब कोई रिस्क नहीं रहती, लेकिन ये एक रिस्केबल पैकिंग है, कोई भी थर्ड पार्टी इस टैप को रिमूव करके वापस लगा सकती है। तो गाइस मैंने ये भी ला, गाइस हमारे पास है एक बॉक्स पैक रेडमी नोट 6 प्रो। गाइस इसके फीचर्स की बात करें तो ये रेडमी का फर्स्ट डुअल सेल्फी कैमरा वाला फोन है। रेडमी ने अब तक ऐसा कोई भी और फोन लॉन्च नहीं किया जिसके अंदर डुअल सेल्फी कैमरे पाए गए हैं। ये रेडमी का फर्स्ट डुअल सेल्फी कैमरा वाला फोन है और इसके अंदर मिलेगा आपको 20 MP प्लस 2 MP का डुअल सेल्फी पोर्ट्रेट कैमरा है, जिसके अंदर 6 बोके इफेक्ट अवेलेबल है। और इसके बैक कैमरे की बात करें तो 12 MP प्लस 5 MP डुअल कैमरा मिलेगा, और इसके स्क्रीन की बात करें तो 6.26 इंच की वाइड एंगल डिस्प्ले होगी, एक नोच होगी और 19:9 के साथ अवेलेबल होगी। और इसकी प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 637 प्रोसेसर होगा, जो 14 NM ऑक्टाकोर क्राइव पर रन करेगा। तो गाइस ये लेवल अब अनरैप कर देते हैं यहाँ से। खुल गए हमारा फोन, और गाइस फोन के अलावा हमें और क्या मिला है ये जान लेते हैं, बॉक्स में और क्या चीज है। यूजर गाइड है, इसके अलावा चार्जिंग केबल, और ये एक हमें चार्जर मिला है। और इसके अंदर क्या है देखते हैं, ये तो सिम की है, एंड सेकंड वन है केस। ये फोन का बैक कवर मिला हमें, बहुत ही सॉफ्ट है, ये फोन पे अटैच होगा। गाइस इसकी स्क्रीन की बात करें तो इसकी स्क्रीन आपको 6.26 इंच की दी गई है, वाइड एंगल डिस्प्ले जो कि फुल HD डिस्प्ले है, और इसमें आपको नोच दिया है। और यहाँ पे आपको दो सेल्फी कैमरे मिल गए 20+2 MP के, जिसके MI के अब तक किसी भी फोन में डुअल सेल्फी कैमरे नहीं दिए गए हैं। और गाइस यहाँ पे आपको 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलेगा जो कि इसके स्क्रीन पर लगा होगा। और इसके पीछे की साइड बात करते हैं तो इसके पीछे की साइड दो कैमरे दिए है 12+5 MP के LED लाइट के साथ, और दो आगे के कैमरे और दो पीछे, यानी इसमें पूरे चार कैमरे दिए गए। और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, और ये बात करते हैं ये कॉलम दिख रहा है ये पूरा मेटल का बना हुआ होगा जो कि P2I कोडिंग के साथ ले, यानी इस पर वाटर नहीं ठहरेगा। अगर इसके ऊपर हम वाटर टेस्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर वाटर गिराते ये वापस नीचे गिर जाएगा, एक वाटर गिराया और ये पूरा नीचे गिर गया, मतलब ये P2I कोडिंग के साथ लेस है। और यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक दिया जाएगा, ये भी पूरा प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक दिया जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें तो आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, एक में ऑडियो माइक लगा है और एक में ऑडियो स्पीकर लगा है जो कि गाने सुनने के काम आएगा। और इस साइड की बात करते हैं तो इस साइड एक IR ब्लास्टर लगा है और 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलेगा, और ये सिम का स्लॉट है जिसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, या तो एक सिम यूज कर सकते हैं या फिर दो सिम, या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड, और जो मेमोरी कार्ड आप 256 GB तक बढ़ा सकते हो। गाइस ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, या तो एक सिम एक मेमोरी या फिर दोनों सिम कार्ड। और गाइस इसके अंदर की बात करते हैं तो इसमें मल्टीटास्किंग का ऑप्शन दिया गया है, ये स्प्लिट स्क्रीन, ये मल्टीटास्किंग ऑप्शन ऐसे यूज होगा।
इसमें मल्टीटास्किंग का ऑप्शन है। और गाइस अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात करते हैं तो इसके एंड्रॉयड वर्जन में आपको 8.1 का एंड्रॉयड ओरियो पे ये रन करेगा, और इसका प्रोसेसर मिलेगा 627 स्नैपड्रैगन 14 nm क्वालकॉम प्रोसेसर मिलेगा। और इसके कैमराज की अगर हम बात करते हैं तो दो कैमरे पीछे और दो भी आगे। और ई एम आई का फर्स्ट फोन है जिसके अंदर डुअल सेल्फी कैमरे दिए है। रेडमी ने अब तक किसी भी फोन में डुअल सेल्फी कैमरे नहीं दिए सिवाय इस नोट 6 प्रो के। ये नोट 6 प्रो रेडमी का फर्स्ट सेल्फी कैमरा वाला फोन है जिसके अंदर डुअल सेल्फी कैमरा है। और इसके डुअल सेल्फी कैमरे में आपको 20+2 MP का डुअल सेल्फी A1 पोर्ट्रेट मिलेगा जिसके अंदर 6 बोके इफेक्ट मिलेगा। और इसके अभी सैंपल में आपको एग्जाम्पल के तौर पर पिक्चर दिखा रहा हूँ। और इसके पीछे के साइड में आपको 1.9 एपर्चर का 12+5 MP का डायनेमिक A1 ऑटो फोकस कैमराज मिलेगा। और इसके फ्रंट में 2.0 का अपर्चर मिलेगा। और इसके सैंपल के तौर पर मैं बता देता हूँ, ये फ्रंट फ्रंट कैमरे से लिया गया पोर्ट्रेट मोड पर है। देख लो गाइस ये पोर्ट्रेट हुआ है, और इसका सिर्फ नॉर्मल फोटो ये है। और इसके बैक कैमरे की बात करते हैं तो इसका बैक कैमरा ये नॉर्मल फोटो है, यहाँ पे वाटरमार्क दिखेगा, और ये पोर्ट्रेट मोड पर फोटो लिया गया। और ये बैक कैमरा का पोर्ट्रेट मोड पर फोटो लिया गया, देख लो गाइस ये पोर्ट्रेट हो गया है। वेट की बात करते हैं तो इसका वेट सिर्फ मिलेगा 181 ग्राम का इसका वेट है। और इसके बॉडी ये पीछे की साइड मेटल बनी है। लेकिन गाइस इसके हाइट की बात करते हैं तो इसके 158.6 mm की मिलेगी, और इसके चौड़ाई मिलेगी 75.4 mm। और इसके थिकनेस है जो कि 8.05 mm की इसकी थिकनेस है। ये 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन गाइस इसके पिक्चर क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो लो लाइट पर भी एकदम बेटर क्वालिटी के साथ बेटर डिटेल के साथ ये पिक्चर प्रोवाइड करेगा। इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करते हो तो इसकी बैटरी कैपेसिटी 4000 mAh यानी कि 2 डेज वर्किंग बैटरी कैपेसिटी आपको प्रोवाइड की गई है। तो गाइज जब भी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।